तो गाइज आज हम बनाने वाले हैं मिनी मोटराइज बोबो बॉगी। तो गाइज ये रहा हमारा मोटराइज बोबो बॉगी। इसे बनाने से पहले मैं आपको कुछ फीचर्स बताना चाहूँगा, क्या क्या ऐड ऑन किया है मैंने। इसका जो ऊपर वाला साइड है यहाँ पे मैंने मैग्नेट लगा रखा है ताकि ट्रेन के अंदर आसानी से चिपक जाए, और जहाँ पे लगाना है वहाँ पे मैं मेटल का ही यूज़ करूँगा। और इसका बेस में भी मैंने मैग्नेट का यूज़ किया है ताकि ये आसानी से खुल जाए और लग जाए। देख सकते हो कितना छोटा सा साइज़ है और इसके अंदर ही मैंने मोटर डाल रखा है। और आगे मैं वीडियो में भी बताऊंगा कौन सा मोटर का मैंने यूज़ किया है। तो गाइस देख सकते हो इसके अंदर ये रहा मोटर, ये रहा गियर, और इसके ऊपर मैंने ये वाला मैग्नेट लगा रखा है, और इसके क्या बेस में भी मैग्नेट का यूज़ कर रखा है ताकि आसानी से ये चिपक जाए। पहली बात तो मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कैसे लगाऊं उसे, इसका अटैचमेंट कैसे मजबूत करूं, क्योंकि यहाँ पे तो स्क्रू लगाने का जगह ही नहीं बचा। तो मेरे पास मैग्नेट वाला आइडिया आया, तो ये वाला मैग्नेट मैंने स्पीकर से निकाला और यहाँ पे लगा दिया एमसील के थ्रू। ये पूरा ग्लू का मैंने यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ एमसील ही एमसील है इसके अंदर, अच्छे से भर दिया एमसील इसके अंदर। और ये रहा इसका पिन का कनेक्टर, सॉरी मोट टू पिन कनेक्टर है जिसके अंदर हम मोटर का सप्लाई देंगे। और गाइज इसका एक और फ़ायदा है, आप चाहे तो इसमें दो ऐसे नॉर्मल व्हील लगा के भी चला सकते हो। अगर आपको नॉर्मली चलाना है और मोटराइज चलाना है तो ये गियर वाला व्हील डाल दो तो ये मोटराइज बन जाएगा आपका बोगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मैग्नेट जो है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज कुछ ऐसे लगता है ये, देखने में आप सभी को यहाँ से थोड़ा बहुत ओवर पावर लगेगा, लेकिन नहीं गाइज ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आसानी से चला लेगा कोई सा भी लोकोमोटिव। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं बॉगी को। तो गाइस इस बॉगी के अंदर मैं ये वाला मोटर का यूज़ करूँगा जो है आपका एक ड्रोन का मोटर। देख सकते हो साइज़ वाइज कितना छोटा सा मोटर है ये, और इसके ऊपर मैंने हॉट गियर लगा दिया है। जो ये वाला गियर नहीं होता इसे हॉट गियर कहते हैं। आप आसानी से इसके मोटर को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक के दुकान से परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन मार्केट में ये 50 रुपये का आ जाता है। तो गाइस अब हम बनाने वाले हैं बोबो बॉगी का फ्रेम। उसे बनाने के लिए मैं पुराना रेल किंग का इंजन का यूज़ करूँगा। इसके नीचे का जो ये वाला व्हील का सेक्शन देख रहे हो ये वाला हम काट लेंगे, जो काटने के बाद कुछ दिखने में ऐसा रहेगा आपका। आप चाहे तो इसके अंदर से आप कोको बॉगी भी बना सकते हो और बोबो बॉगी भी, और इन फ्यूचर मैं आपको कोको बॉगी भी बना के दिखाऊंगा इसी मेथड के ज़रिए। तो फ़िलहाल तो हम बोबो बॉगी बना रहे हैं मोटराइज। तो हमारा जो बॉगी का साइज़ इतना रहेगा, और इसके अंदर हम ये वाला मोटर फिट करेंगे एमसील के थ्रू। तो एक बार देख लेते हैं डायमेंशन चेक करके कैसे लगेगा या नहीं लगेगा। तो गाइज़ ये रहा वो मोटर, उसके पीछे मैंने एक कनेक्टर लगा दिया ताकि आसानी रहे। तो ये पूरा मोटर जो है हम इसके अंदर ही फिक्स करने वाले हैं। तो इसके अंदर के जो स्पेस देख रहे हो अब यहाँ पे ऐसे करके मैं इसे लगाने वाला हूँ एमसील के द्वारा। तो डायमेंशन कुछ ऐसा रहेगा, हमें मोटर को ऐसे लगा लेना है इसके अंदर फ्रेम के अंदर। लगाने के लिए वही एमसील का मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अंदर का जो मोटर है यहाँ पे फिक्स कर दिया है, देख सकते हो कैसे मैंने फ़िक्स कर दिया एकदम परफेक्ट। और हाँ, मोटर फिक्स करते वक्त आपको चेक भी कर लेना है कि इसका जो व्हील है गियर के साथ प्रॉपर अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा, तभी ये रनिंग करेगा जब अच्छे से प्रॉपर अटैच हो। अब यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली एमसील के थ्रू इसे लगा दिया है, और इसके ऊपर देख सकते हो सिल्वर कलर का जो कि मैंने यहाँ पर मेटल लगा रखा है ताकि इन फ्यूचर अगर गियर में कुछ प्रॉब्लम हो गियर मैं चेंज कर सकूं। और ये रहा इसका ऊपर का जो ढक्कन कह सकते हो या बेस कह सकते हो, उसे भी मैंने मैग्नेटिक बना दिया है ताकि ये आसानी से चिपक जाए मैग्नेटिक के थ्रू, और ये मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे लगा दिया हमने व्हील, अब इसके ऊपर हम ये वाला बेस लगा देंगे जो कि मैग्नेटिक बेस है। देख सकते हो एकदम प्रॉपर अच्छी तरह से ये अटैच हो चुका है ये। तो अब इसे करेंगे हम चालू। तो इसे मैंने पिन को मैंने यहाँ पे लगा दिया इसके अंदर, अब एक बार चेक करेंगे सही से प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
कर दिया मैंने पावर बटन ऑन, रिमोट का भी पावर बटन ऑन कर दिया मैंने, अब चलाएंगे इसे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कितना मस्त तरीके से वर्क कर रही है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना बढ़िया चलेगा ये, और ये मैं इस नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाला हूँ। तब तक आप गेस करो क्या बनाने वाला हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मैं, और कमेंट सेक्शन में बता दो गाइस आपको क्या लगता है मैं क्या बनाने वाला हूँ इसका नेक्स्ट वीडियो, और इसका अगला वीडियो भी मैं छोड़ूंगा ये इसका यूज़ करके। तो आई होप गाइस ये आपको बढ़िया लगा होगा। अब एक बार मैं आपको रनिंग करके दिखा देता हूँ ट्रैक पे। गाइस अब करने वाले हम इसकी रनिंग टेस्टिंग। ये रहा इसका मदरबोर्ड जो मैं इसमें लगा के यूज़ करने वाला हूँ। तो करते हैं इसे पावर ऑन, देख सकते हो इसका पावर ऑन है, हो चुका है इसका। अब ये रहा मोटर पे लगेगा ये, जहाँ पे हमने कनेक्टर लगाया था वहाँ पे लगा देंगे इसे। तो ये लग चुका है हमारा ये मोटर के साथ कनेक्शन, मदरबोर्ड हमने लगा दिया इधर। तो गाइस ये रहा है, तो गाइस ये रहा इसका रिमोट, चला के दिखा देता हूँ मैं आपको, देख सकते हो चल रही है। अब एक बार ट्रैक में चला के दिखा देता हूँ मैं आप सभी को। देख सकते हो गाइस कितना स्पीड चल रहा है, जो कि डीरेल हो रहा है हर बार। तो ये तो ऑब्वियसली मैं पलंग में चला रहा हूँ तो ये बार बार गिर जा रहा है, ट्रैक भी ऐसे लगा हुआ है इसके अंदर। ऐसे करके चला के दिखा रहा हूँ मैं आपको बार बार रोक रोक के, वरना ये डीरेलमेंट हो जाएगा। दोबारा डीरेल हो गई ये। तो गाइस आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मॉडल ट्रेन के साथ।